झारखंड की राजनीति में भले ही हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं थम रहा है। अब जेएमएम के सीनियर नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग अब कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि ये भाजपा की एक संस्था हो गई है। और ये आरोप लगाया कि जब चुनाव आयोग ने राज्यपाल को लिफाफे में बंद चिट्ठी जब भेजी, तो वो सांसद निशिकांत दुबे के पास कैसे पहुंच गया, उस चिट्ठी में क्या लिखा था ये भाजपा सांसद को कैसे पता चला, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने एक पेड पे लेटर पेड पे जो कुछ लिख कर दिया, उसकी जानकारी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को कैसे हो गई। और इसी दरमियान जेएमएम जो नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि अब चुनाव आयोग की अपनी कोई गोपनीयता नहीं रह गई है, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है उसकी जानकारी पहले जो है वो बीजेपी सांसद को कैसे हो जाती है। और इसके अलावा कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि शुरुआती दौर में किस तरीके से अफवाह फैलाया गया कि जो हेमंत सोरेन सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन हमने सदन में बहुमत हासिल करके दिखाया, विश्वास मत हासिल करके दिखाया, लेकिन इस वक्त भी जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके फिर से अफवाह फैला रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं ताकि सरकार जो है गिर जाए, लेकिन हमने अपना बहुमत जो है साबित कर दिया है। तो साफ तौर पर जेएमएम के जो नेता हैं उन्होंने चुनाव आयोग पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है, और चुनाव आयोग के लिए भी ये थोड़ा सोचने का वक्त है कि चुनाव आयोग जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, या फिर चुनाव आयोग ने जो बंद लिफाफे में जो कुछ लिखा था उसकी जानकारी बीजेपी सांसद को कैसे हुई, और फिर मुख्यमंत्री ने जो बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजा उसकी जानकारी जो है वो बीजेपी सांसद को कैसे हुई, इसको लेकर झारखंड की सियासत जो है वो लगातार गर्म है। हालांकि पिछले दिन जो है झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वासमत हासिल कर लिया, और हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं क्रांतिकारी का बेटा हूँ, ना डरा हूँ ना डरूंगा, ना झुका हूँ ना झुकूंगा, और ये बता दिया कि देख लो हमारी ताकत जो हमारे खिलाफ ये भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, 48 विधायकों का समर्थन जो है हमारे पास है, और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, ऑपरेशन लेटर्स फेल हुआ। लेकिन आज इस खबर में मुख्य तौर पर यही बताना है कि जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग क्या कुछ लिखता है, राज्यपाल क्या कुछ कहते हैं बंद लिफाफे में जो चिट्ठी होती है, उस मुख्यमंत्री क्या कुछ लिखते हैं बंद लिफाफे में, वो जानकारी बीजेपी सांसद को कैसे हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गोपनीयता पर सवाल उठाता है, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस सवाल, क्योंकि ये गंभीर मसला है, ये वाकई में चुनाव आयोग पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है, बीजेपी सांसद क्या कुछ कहते हैं, और सबसे बड़ी खबर ये है कि राज्यपाल ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है कि उस बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने क्या कुछ लिखा है। तो कई तरह को लेकर झारखंड की राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।